हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, ज्योग्राफी के प्रिपेयर के लिए हम लोग बहुत ज्यादा प्रिपेरेशन आपको करवा रहे हैं। और ज्योग्राफी का जो पेपर है ये 40 मार्क्स का आता तो है, लेकिन इसमें कई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो ऑलरेडी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करा दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप पहचान लिया, आइडेंटिफाई द कोरिलेशन और उसका चेन फॉर्मेशन, ये वाला जो वीडियो है ये भी हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले अपलोड किया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक और बेहतरीन टॉपिक है जिसके बेस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके ज्योग्राफी का पेपर में, जो कि है आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, जिसको हम लोग प्यार से ऑड मैन आउट भी बोलते हैं। यानी चार चीज दिया रहेगा, उसमें से कोई एक गलत चीज को पहचानना होता है। तो आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट या फिर ऑड फैक्टर बोल सकते हो, ये कुछ क्वेश्चंस में लेकर आया हूं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। और मैच द फॉलोइंग, साथ में जितने भी क्वेश्चन बैंक के मैच द फॉलोइंग सब के सब मैं करा रहा हूं, उम्मीद करता हूं इसी में से आएगा। एंड पूरा टेक्सचुअल भी अगर देखा जाए तो इतने ही मैच द फॉलोइंग है, हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस अगर कुछ आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जितना हो सके हम आपको करवा रहे हैं ताकि आप लोग का प्रिपेरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगेन एक और चीज, जो आप पूरा पूरा चैप्टर्स अगर पढ़ना चाहते हो, जो पूरा कंसेप्ट वाइज जाना चाहते हो, तो हमारे रेगुलर लेक्चर्स में ऑल चैप्टर वीडियोस जो है अवेलेबल है। बस जो चैप्टर पढ़ना है सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसको तो जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो फटाफट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्या वीडियो है हमारा। सबसे पहले आप देखोगे आइडेंटिफाई द फैक्टर, ऑड फैक्टर, आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर। तो यहाँ पे ऑड फैक्टर मतलब क्या होता है, ऑड मैन आउट होता है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील, यानी ब्राजील का कौन सा टाइप का फॉरेस्ट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले ब्राजील में आप देखोगे ना, थ्रोनियन बुशी फॉरेस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है, एवरग्रीन फॉरेस्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, डेसीडियस फॉरेस्ट भी होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये हिमालय यहाँ पे क्या कर रहा है, हिमालय तो इंडिया में होता है ना, करेक्ट है कि नहीं? तो हिमालयन फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर, मतलब हमारा जो ऑड मैन आउट है क्या हो जाएगा, हिमालयन फॉरेस्ट हो जाएगा। याद रहेगा दोस्तों, क्लियर है, इस तरीके से बस याद रखना और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है यार। मतलब ये ऑड मैन आउट ना, मतलब मुझे लगता है तो ये तो पहली बात तो आप आगे पीछे करके ही लिख लेते हो आंसर तो, लेकिन यार मैं चाहता हूँ आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो, अच्छे से पढ़ के जाओ, कंसेप्ट भी पता रहेगा आपको और बाकी चीजें भी पता रहेगी, तो अच्छे से सब चीज हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला चीज क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर आपको कोई पूछेगा ऑड मैन आउट में कि ब्राजील का क्या आएगा, तो थ्रोनी और बुशी फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, लेकिन हिमालयन नहीं है, हिमालयन फॉरेस्ट इंडिया में होता है। अब देखो वैसे इंडिया की बात आ गई, ठीक है, इंडिया में क्या है, फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉरेस्ट इंडिया में ना, देखो इंडिया में मैंग्रोव्स भी है, सुंदरबन में आप देखोगे मैंग्रोव भी है, कुछ कांटेदार थ्रोनीबुश भी है, इक्विटेरियल फॉरेस्ट भी है, लेकिन ये जो मेडिटेरेनियन है ना, ये एमसीक्यूज में भी हमने पढ़ा था आपको याद होगा, तो ये जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है ना, नाम से ही अंग्रेज दिख रहा है, नाम से ही थोड़ा अंग्रेज दिख रहा है ना, मेडिटेरेनियन, ठीक है ना, मेडिटेरेनियन सी के आसपास होगा, तो ये यार ये फॉरेस्ट हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, तो यही ऑड मैन आउट हो जाएगा हमारे लिए, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। कितना सिंपल आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, याद रख लो। अगला देखो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स ऑफ ब्राजील, इसमें से कौन सा एनिमल ब्राजील का वाइल्ड एनिमल है और कौन सा नहीं है। तो एनाकोंडा पाया जाता है ब्राजील में, बिल्कुल सही है, टमेरिन भी पाया जाता है, रेड पांडा भी पाया जाता है, लेकिन शेर जो है ना ये ब्राजील में नहीं पाया जाता, यानी लायन विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब मेरा ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, लायन शेर, ठीक है, तो लायन इज द ऑड मैन आउट हियर, याद रहेगा, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, तो अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाएगा ऑड मैन आउट का, जो कि है विथ रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो फ्लोरा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा नहीं आएगा। फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लावर्स होता है मेनली, या फिर जो आपका प्लांट का जो होता है, जैसे फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा इज नथिंग बट द प्लांट लाइफ एंड फौना इज द एनिमल लाइफ। तो यहाँ पे डियोदार जो है वो इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, अंजान जो है ये भी पाया जाता है, बनियान या बनियान का पेड़ तो बहुत देखने मिल जाता है, लेकिन ये जो ऑर्चिड है ना ये जनरली हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्चिड, यानी इसका ऑड मैन आउट क्या हो गया, ऑर्चिड हो जाएगा। देखा है ना आपने, ऑर्चिड के फ्लावर्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, अंग्रेज वाले फ्लावर, ठीक है। चलो चैप्टर सॉरी पांचवा जो ऑड मैन आउट है, जो कि मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्राजील, ब्राजील का मेजर क्रॉप जो है कोकोआ पाया जाता है, चॉकलेट बनता है उससे, कॉफी भी बनता है, ठीक है, कॉफी, सोयाबीन भी मिलता है, लेकिन जवार जो है ये इंडिया में पाया जाता है, खासकर हमारे महाराष्ट्र में पाया जाता है। जावरी जवारी की रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो, ठीक है ना, जवारी की रोटी तो हम लोग भी खाते हैं यार, तो जवार जो है ये हमारे महाराष्ट्र में इंडिया में पाया जाता है, तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा, क्लियर है, ये ब्राजील में नहीं मिलता है, तो ऑड मैन आउट इज द जवार, ठीक है। अब देखो मेन पर्पज ऑफ फील्ड विजिट, फील्ड विजिट क्यों किया जाता है, सबसे पहली बात फील्ड विजिट जो है हिस्टोरिकल चीजों के लिए किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाता है, कल्चरल के लिए भी किया जाता है, लेकिन ये ज्योग्राफिकल क्या है, ज्योग्राफिकल मतलब क्या, हम लोग को जमीन देखना है क्या जाके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा ज्योग्राफिकल, यानी फील्ड विजिट जो है ना दोस्तों वो ज्योग्राफिकल के लिए नहीं करते, हिस्टोरिकल चीजें देखने के लिए, अगर किले वगैरह पे जा रहे हो, कोई फोर्ट देखने जा रहे हो, तो हिस्टोरिकल नॉलेज मिलता है, कल्चरल नॉलेज मिलता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, लेकिन ज्योग्राफिकल देख थोड़ी पा रहे हो उसको, सैटेलाइट के थ्रू थोड़ी जा रहे हो पृथ्वी के ऊपर की आप ज्योग्राफिकल फैक्टर देख रहे हो, तो ये नहीं हो जाएगा, तो हमारा ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल, याद रहेगा। नेक्स्ट है
सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है? देखो गुजरात के आसपास समुंदर है, तो गुजरात तो बहुत अच्छा सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, दांडी मार्च आज होगा, सॉल्ट सत्याग्रह यही हुआ था, ठीक है। राजस्थान आप देखोगे तो ये डेजर्ट इलाका है, तो डेजर्ट इलाके में भी नमक पाया जाता है, राजस्थान में भी नमक मिलेगा, ठीक है। बिहार जो आप देखोगे ना, बिहार इसके आसपास कोई समुंदर नहीं है और कोई डेजर्ट नहीं है, तो बिहार के आसपास नदी होती है, वो भी साफ पानी की नदी होती है, तो बिहार विल बी माई करेक्ट आंसर। और उसका अगला ऑप्शन देखोगे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के आसपास भी अरेबियन सी है, इंडियन ओशन भी है, तो यहाँ पे समुद्र पे नमक तो मिलेगा, तो बिहार विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, बिहार, बिहार एक ऐसा स्टेट है जो सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये थे टोटल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑड मैन आउट, होपफुली ये सातों में से कोई 3 या 4 पूछ ले आपके एग्जाम में, या फिर कोई 2 भी पूछ ले, अगर पूछेगा तो ऑड मैन आउट पूरा पूछेगा तो 4 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, तो डेफिनेटली आप आराम से उसका आंसर कर पाओगे, लेकिन अगर कुछ अलग भी पूछेगा तो भी आपके दिमाग में बहुत सारे लिंक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कोई भी क्वेश्चन जब आते हैं तो वो चैप्टर्स में से ही आते हैं, पढ़ा हुआ ही आता है, कहीं ना कहीं उसका लिंक हमने पढ़ा होता है, ठीक है ना, साओ पोलो इसका लिंक इससे है, कोई क्वेश्चन आंसर्स में आंसर लर्न किया रहेगा तो उसका लिंक उससे है, तो ये लिंक पहचानना होता है बस, और कुछ नहीं, आप आंसर आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा ऑड मैन आउट। अब जैसे मैंने बोला था कि एक और चीज लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि है मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले जो मैच द फॉलोइंग आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं पूरा का पूरा लेकर आया हूं, इसमें आपको मैच करना है बहुत अच्छी तरीके से, और एग्जाम में याद रखना, ऐसा बच्चों वाला मैच मत करके आना, वो ऐसा ऐसा मैच करते हैं ना वो मत करके आना, आपको सबके सामने आंसर लिखना है। जैसे कि पहला है एवरग्रीन, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, ये है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या आंसर आएगा वो उसके सामने लिखो, ठीक है ना, सामने सामने लिखा जाता है उसको, प्रॉपर तरीके से मैच द फॉलोइंग बोलते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो आंसर है वो है पाओ ब्राजील, ठीक है, मतलब जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, तो पाओ ब्राजील में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, तो यहाँ पे आप लिख दो ऐसे पाओ ब्राजील, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबको एक दूसरे के सामने सामने आंसर लिखा जाता है, ये तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, वैसे आपने ये किया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा डायरेक्ट मैच करके आते हैं ना लाइन वाला, ऐसा एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या आएगा पाओ ब्राजील, ऐसा मैच करके मत आना, ठीक है ना, याद रखना सामने सामने लिखना। फिर अगला है डेसिडियस फॉरेस्ट, तो डेसिडियस फॉरेस्ट का आप देखोगे तो हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने जो कोरिलेशन पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि डेसिडियस फॉरेस्ट ना टीक बहुत मिलता है, टीक नाम का एक पेड़ होता है जो कि बहुत पाया जाता है, तो हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट का आंसर क्या हो जाएगा टीक, याद रहेगा, क्लियर है। फिर अगला है कोस्टल फॉरेस्ट, तो कोस्टल फॉरेस्ट का अगर आपको याद आ रहा होगा तो कोस्टल में ना सुंदरी के पेड़ बहुत मिलते हैं, तो कोस्टल का सुंदरी आ जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है कोस्टल फॉरेस्ट का सुंदरी का पेड़ बहुत मिलता है, मतलब जो समुद्र तटीय इलाके होते हैं सुंदरी के पेड़ बहुत मिलते हैं। फिर हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालय में आप जानते हो एक बहुत ही ज्यादा फेमस पेड़ है, पाइन का ट्री बोलते हैं ना हिमालयन में, जो क्रिसमस ट्री जैसा दिखते हैं, पाइन का पेड़, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, मतलब 4 का B हो जाएगा, ठीक है, हिमालयन का पाइन हो गया। और लास्ट में है थ्रोनियन बुश टाइप, तो थ्रोनियन बुश टाइप मतलब खेजड़ी, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 5वें का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा खेजड़ी, जो कि बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये तो मैंने आपको मैच करके दिखाया, लेकिन आपको सामने सामने लिखना है, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या है पाओ ब्राजील है, डेसिडियस फॉरेस्ट का क्या है टीक है, कोस्टल फॉरेस्ट का क्या है सुंदरी है, हिमालयन फॉरेस्ट का क्या है पाइन है, और थ्रोनी और बुश टाइप वेजिटेशन का क्या है खेजड़ी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा सबसे पहला मैच द फॉलोइंग, याद कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। चलो अगला बात करते हैं, जो कि नेक्स्ट है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग मानोस, तो मानोस आपको याद आ रहा होगा एक पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे कहीं पोर्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानोस का हो जाएगा नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 का F आ जाएगा, दैट इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अगला बात करें यहाँ पे राजस्थान जो है एक ऐसा जगह जहां पे बहुत कम बारिश होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा लो रेनफॉल, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो राजस्थान का लो रेनफॉल हो जाएगा। फिर हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ब्राजील का जो हाईलैंड्स है ना इसमें बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं ना वो ग्रासलैंड समझ के आते हैं और घास को कंज्यूम करते हैं, तो हाइलैंड्स ऑफ ब्राजील का आंसर हो जाएगा एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है, एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड्स हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आप देखोगे नॉर्थ साइड में ना हमारे इंडिया में ना पहाड़ी इलाका है, वहां पे लोग ना अलग अलग रहना पसंद करते हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है, बहुत कम सेटलमेंट्स है और न्यूक्लिएटेड तरीके से अपना फैमिली बिताते हैं वो लोग, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आ जाएगा, तो ये उसके चारों के चारों आंसर हो गए, उसके सामने सामने आंसर लिख देना एग्जाम में आएगा, तो बहुत डेफिनेटली अगर यही आता है तो 4 में से 4 आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर दोस्तों। आगे बढ़े जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, जो कि है आखिरी मैच द फॉलोइंग, उम्मीद करता हूं कि इसमें से भी कुछ आ जाए। तो सबसे पहले है ट्रांस अमेजोनियन रूट, तो ट्रांस अमेजोनियन रूट की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि ब्राजील का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है, ठीक है ना, क्योंकि देखो बहुत बड़ा रूट है ये ट्रांस अमेज़न, पूरा अमेज़न के आसपास का रीजन कवर करता है, तो ट्रांस अमेज़ोनियन रूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ब्राजील, ये चीज ध्यान में रखना है। फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, ये बहुत ही फेमस हाईवे है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रख लेना। एंड रियो डी जेनेरियो ये क्या है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ पे ओलंपिक्स वगैरह भी होता है,
देखा होगा, तो टूरिस्ट स्पॉट है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों, यार कितना सिंपल है, सब आंसर बता दिया। इसको मैं पीडीएफ में भी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो जाके देख लेना, याद कर लेना, बस सब चीज याद करते जाओ। साइमल्टेनियसली 2 दिन टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम करोगे, थोड़ा सा मेहनत भी आपको करना है। हम तो आपके लिए वीडियोस दे ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा अपनी तरफ से मेहनत करते रहो और अच्छे से सब चीजों को लर्न कर लो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी कौन कौन से वीडियोस है वो हम सब आपके लिए बनाते रहेंगे। आप बस हमारे साथ पढ़ाई करते रहो, स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो करते रहो हमारा, प्लस हमारा जो चैप्टर वाइज हमने जो लेक्चर्स बनाए हैं वो सब भी फॉलो करते रहो, और जो इंपॉर्टेंट चीजें अभी रिसेंट में दे रहे हैं हम लोग, अभी फॉर एग्जांपल 2 दिन में हम लोग कंटिन्यूस दे रहे हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो चलो ये वीडियो इतना ही था, कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कॉमेंट करना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।